जावन मूवी एकदम लकवास है। अरे ताऊ, मैं तो मूवी देखने जा रहा था जवान, आपने बोल लिया बकवास है। मतलब कैसी बकवास? इतनी बकवास है कि सब लोग ताली और सीटी मार रहे थे। इतना बकवास है कि थिएटर पूरा भरा हुआ था। इतना बकवास है कि जिंदा बंदा सॉन्ग में सब लोग पागलों की तरह नाच रहे थे। इतना बकवास है कि अनप्रेडिक्टेबल कैमियो है। इतना बकवास है कि ये मूवी 1000 करोड़ इजीली कमा लेगी। इतना बकवास है कि स्टोरी में कुछ कमाल का ट्विस्ट है। इतना बकवास है कि एक्शन सीन देखने में मेरा खड़ा हो गया। अरे ताऊ, क्या बोल रहे हो? अबे रोटे खड़े हो जाते हैं, वो बोल रहा हूँ, वो बोलते हैं ना गुड बम्स। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ऑल राइट, तो गाइज, ऐसा रिकी मोस्ट अवेटेड मूवी जवान रिलीज हो गया है और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बिना स्पॉइलर्स दिए हुए ये मूवी कैसी है, आप लोग को ये थिएटर में जाके मूवी देखना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा। मूवी की स्टोरी अच्छी है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कैमियो है, सोशल मैसेजेस है रिलेटेड टू नारी शक्ति एंड मेनी मोर है। एथली कुमार की बहुत सारी मूवी में कहानी एक्स फैक्टर नहीं होता है, लेकिन इस मूवी में एथली कुमार ने कमाल का कहानी को दर्शाया है। एक्शन सीन्स में तो पूरे के पूरे 5 स्टार, मतलब मैं बता नहीं सकता कमाल का VFX, डिटेलिंग वाला मास सीन्स जो बड़े पर्दे में आप लोग का सीटियां और तालियां निकाल देगी 100% गारंटी। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। इस मूवी का BGM भी कमाल का है, पुराने गाने को बहुत ही अच्छी तरह से रिमिक्स करके यूज किया है। अनिरुद्ध, हैट्स ऑफ टू यू। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। अब बात करते हैं दी एक्स फैक्टर ऑफ दिस मूवी शाहरुख खान के काम के बारे में। SRK ने इस मूवी में बहुत ही कमाल का काम किया है। इस मूवी में SRK की बहुत सारी लुक्स गेटअप्स देखने को मिलेगा और अगर SRK को कोई टक्कर दे सकता है एक्टिंग में तो वो है विजय सेतुपति सर। सेतुपति सर ने इस मूवी में कमाल का काम किया है, वो इस मूवी में हीरो से कम बिल्कुल नहीं लग रहे है। उनका स्मार्ट इंटेलिजेंट वाला कैरेक्टर, हिंदी बोल के डायलॉग डिलीवरी करने वाला कैरेक्टर बहुत ही कमाल का है जो SRK को पूरी तरह से टक्कर देता है। SRK और नयनतार की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की लग रही है और दीपिका तो SRK की लकी चार्म है। तो गाइस, ओवरऑल ये मूवी मुझे तो पठान से भी बहुत ही अच्छी लगी, पूरा का पूरा मास एंटरटेनमेंट और पैसा वसूल मूवी। और मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि ये मूवी मोबाइल से ज्यादा थिएटर पे देखने को मजा आएगा। बाकी ये मूवी आपने देखी है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बता देना। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।